हेलो गाइस, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज ऑन वन ओकेजन ही परसू। पहले बात तो आप ओकेजन की स्पेलिंग ध्यान रखना, ठीक है। ऑन वन ओकेजन ही परसुएडेड मी टू अकंपनी हिम ऑन अ शूटिंग एक्सपेडिशन ही वॉज प्लानिंग। तो क्या होगा, अब देखो, ऑन वन ओकेजन ही परसुएडेड मी, यहां से मुझे पता चला है V2 देख के कि जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में, ठीक है। तो ही परसुएडेड मी फॉरवर्ड, ही परसुएडेड मी टू अकंपनी हिम ऑन अ शूटिंग एक्सपेडिशन, एक ट्रिप पे दैट ही वॉज प्लानिंग, ठीक है। अब देखो, ये बताओ, उसने इसको पहले मना लिया, इसे परसुएड करा कि भाई मेरे को अकंपनी कर लियो, मेरे साथ चल लियो, कहाँ पे, एक शूटिंग ट्रैक में, एक शूटिंग ट्रिप में, ठीक है। तो उसने पहले इसको मनाया होगा या फिर उसने पहले प्लानिंग कर ली होगी ट्रिप की, उसने पहले प्लानिंग कर ली होगी। तो जो चीज पहले हो जाती है पास्ट में, पास्ट ऑफ द पास्ट वाली जो बात हो रही होती है, पास्ट ऑफ द पास्ट, उसे आप रखते हो किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या आना चाहिए था, हैड प्लस V3, तो क्या हो जाएगा, ही हैड प्लान, ही हैड प्लान, ठीक है। पास्ट ऑफ द पास्ट, आप बस ये देखो, जब फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो, तो आप बस ये देखो कि जो आपका पहला एक्शन है वो कौन सा है। भाई उसने पहले प्लानिंग कर ली तो क्या होगा, हैड प्लस V3, पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस V3। नेक्स्ट देखो, वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया था, लिटिल होता है, लिटिल का कंपेरेटिव क्या होता है, लेसर या लेस, दोनों कंपेरेटिव होते हैं। और आपका इसका सुपरलेटिव क्या होता है, इसका सुपरलेटिव होता है लीस्ट, ठीक है। अब आप ये देखो, ये जो लेस होता है ना, ये लेस यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए, और जो आपका फ्यूअर है वो यूज होता है आपका काउंटेबल के लिए, प्लूरल काउंटेबल के लिए, सिंपल चीज। तो आप ये देखो, देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, ये तो काउंटेबल है, तो काउंटेबल है भाई, स्टूडेंट काउंट कर सकता हूं, तभी तो बता रहा हूं कि 1000 है। तो 1000 स्टूडेंट्स है तो लेस तो नहीं आएगा, तो लेस नहीं आएगा, ये कट गया, ये कट गया, नो इंप्रूवमेंट भी कट गया, इंप्रूवमेंट चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वी हैव नो फ्यूअर देन 1000 स्टूडेंट्स, फ्यूअर के साथ काउंटेबल, फ्यूअर स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, When she regained consciousness, she was stretched in the ditch out, soaked to the skin. ठीक है, अब देखो, when she was stretched in the ditch out, ठीक है, देखो, stretched in the ditch out कुछ नहीं होता, stretch का मतलब होता है खींचना, स्ट्रेच करना, किसी चीज को खींचना, मतलब ऐसे पकड़ के आप किसी चीज को खींचते हो। आउट, स्ट्रेस्ड इन द डिच, आउटस्ट्रेस्ड इन द डिच का यूज होता है, जिसे ना समझ में आए वो गूगल भी कर सकता है। आउटस्ट्रेस्ड इन द डिच का मतलब होता है कि जब जैसे आप बेहोश हो कहीं पे, आप बेहोश पड़े हो, ठीक है, और आपको क्या करो, कोई आपके मुंह में पानी डाल दे, तो आपकी स्किन में क्या हो, या फिर कोई आपकी स्किन को हल्का सा थप्पड़ मार के हल्का सा खींचा तानी करे, तो आपको क्या होगा, ऐसे थपथपी मारते तो बंदा होश में आता है, वो रीगेन कर लेता है क्या, कॉन्शियसनेस को। तो क्या होगा, आउटस्ट्रेस्ड इन द डिच, ठीक है। जैसे कि कोई क्या करता है कि जैसे आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जब आप अनकॉन्शियस था तो आप कहीं पे पहुंच गए, मतलब कहीं ऐसे दिमाग में आग बंद है आपकी, आप कहीं और पहुंच रहे हो कि अनकॉन्शियस, जैसे उसने थप थप मारा तो आप क्या हुआ, आपने रीगेन कर ली कॉन्शियसनेस। देन शी वॉज आउटस्ट्रेस्ड इन द डिच आउट सोक टू द स्किन, ठीक है। चलो, टू लिटल इज नोन बाय दिस टाइम अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। देखो, टू लिटल बहुत ही कम, इज नोन, ये देखो इज नोन, इसके साथ वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए मुझे यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए, जो कि एडजेक्टिव सॉरी एक एडवर्ब चाहिए, जो कि ये रहा प्रेजेंटली एडवर्ब। इस प्रेजेंटली का मतलब होता है क्या, प्रेजेंटली का मतलब होता है करेंटली, प्रेजेंटली का मतलब होता है एट द टाइम, करेंटली का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ हैपनिंग, एट द टाइम ऑफ करंट सिचुएशन जब चल रही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू लिटल इज नोन करेंटली या प्रेजेंटली, प्रेजेंटली इज योर आंसर, प्रेजेंटली अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। देखो, जब आप पढ़ रहे हो ना, एग्जैक्ट रूल्स, एग्जैक्ट फॉर्मेशन वाले कभी आपको मैक्सिमम नहीं मिलेंगे, आपको अपनी सोच थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश आपकी टफ आ रही है, तो इसलिए मैंने थोड़ा लेवल भी उठा दिया आपका, ठीक है ना। वैसे आप करते चलो जो मैं करवा रहा हूँ आपको, कॉपी ले लेना और उसमें लिखते चलो, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ यू वॉन्ट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रिड ऑफ। अब आप ये बताओ, देखो ये आपका
फ्रेजल वर्ब के ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन। मैं दो बताऊंगा, एक आप बताना। चलो कोई, चलो गेट ऑन विथ का मतलब आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, सर्च कर लेना, आ जाएगा। बहुत आसान है ये, बस तीन वर्ड है तो मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है, छुटकारा पाना। तो अगर आपको मनी बचानी है तो छुटकारा पा लो शॉपिंग से, ये क्या कुछ नहीं। पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, शॉपिंग को टॉलरेट कर लो, नहीं भाई गलत। गेट ऑन विथ का मैं नहीं बता रहा, वो आप लोग मुझे बताना, बट ये गलत है भाई। वो सेंस ये कहना चाहता है कि जब आपको थोड़े पैसे बचाने हैं तो आप क्या करो, अपनी शॉपिंग में थोड़ी लगाम लगा लो, थोड़ा रिड्यूस कर दो। रिड्यूस का मतलब क्या है, कट डाउन करना, क्या करना, कट डाउन करना, रिड्यूस कर देना अपनी कॉस्ट को, अपने खर्चे को, तो कट डाउन कर दे, कट डाउन ऑन शॉपिंग। नेक्स्ट देखिए, द लाउड एंड इंसेसेंट, इंसेसेंट मतलब होता है लगातार, द लाउड एंड इंसेसेंट चैटर, ठीक है, वरीज योर फादर हु इज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। जो इतनी ज्यादा आवाजें आना, जब आप चैटर चतर 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 करोगे, इतनी ज्यादा आवाजें आना, जो दो आपके फादर हैं, जो तुम्हारे फादर हैं, जो ट्राई कर रहे हैं क्या कॉन्सेंट्रेट करने की, उसको वो क्या कर देती है, वरी नहीं, चिंतित नहीं कर देती, उनको वो इरिटेट कर देती है। तो वो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, वो नहीं कर पाते फिर कंसेंट्रेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इरिटेट्स हो जाएगा। द लाउड एंड चैटर एक साथ माना जाएगा, इनको अलग अलग मत समझना, ठीक है। सारी सिंगुलर वर्ब भी गिवन है यहाँ पर आपको। नॉट ओनली दे वेंट टू सी, ये तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए। जब भी मैंने आपको बताया नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना इधर इधर इनकी पेयरिंग हो रही है, इनके स्टार्टिंग में आ रहे हो, तो आप ये देखो कि ये अपने साथ इन्वर्जन फॉर्म लेंगे, तो इन्वर्जन कैसे बन सकती है, या तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री, या फिर आपकी बढ़ सकती है क्या, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन, ठीक है। और ये देखो, ये बट ऑल्सो किसको दिखा रहा है, एक वर्ब को दिखा रहा है, तो यहाँ भी एक वर्ब आनी चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब पहले हो, हैड प्लस वी थ्री, तो एक हेल्पिंग वर्ब पहले होनी चाहिए। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि वेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वेंट की हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, डिड पहले ले आओ, तो इन्वर्जन हो गया, डिड प्लस में सब्जेक्ट क्या है, दे दे, वेंट का हो जाएगा गो, वी वन हो जाएगा क्योंकि वी टू तो यहीं लगा दिया हमने, डू का डिड कर दिया, तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉट ओनली डिड दे गो, और आप सेंटेंस को आप खुद पढ़िए, बट ऑल्सो भी किसको बता रहा है, वर्ब के लिए, नॉट ओनली भी किसको बता रहा है, वर्ब के लिए, कहानी खत्म। इसे कहते हैं आपकी करेक्ट ग्रामर, ठीक है। बर्ड सिट ऑन द बॉज ऑफ ट्रीज इन माई गार्डन एंड विद देयर स्वीट नोट्स फिल द एयर, यार देखो विद देयर स्वीट नोट्स आपका ऑब्जेक्ट है, किसके साथ बैठते हैं, विद देयर स्वीट नोट्स एंड फिल द एयर, ये वर्ब है, वर्ब भाई, वर्ब पहले आती है ऑब्जेक्ट से, ये होना चाहिए था, एंड फिल द एयर विद देयर स्वीट नोट्स या बाय देयर स्वीट नोट्स, ठीक है, किससे भर देती है, फिल कर देती है, वर्ब आया प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऐसी फॉर्मेशन रहती है आपकी, ठीक है। देखो बर्ड सिट ऑन द बॉज ऑफ ट्रीज इन माय गार्डन एंड फिल द एयर बाय देयर स्वीट नोट्स, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। वर्ब पहले आएगी, ऑब्जेक्ट बाद में आएगी, जैसे यहाँ पे वर्ब पहले आ रही है, ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया विल एंटर द लीग ऑफ मेजर डेवलप्ड नेशन एज अ स्पेट गायंट विद इन अ शॉर्ट टर्म, गायंट का मतलब होता है कोई लार्ज एंड पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। जब आपको ऐसा कोई मेजर डेवलप्ड नेशन के रूप में इंडिया या किसी कंट्री को दिखाना, तो आप यूज करते हो पावरफुल, पावरफुल के लिए यूज करते हो पावर, जैसे आप बोलते हो, आपने सुना होगा हम बोलते हैं अमेरिका इज अ ग्रेट पावर, पावर, ठीक है। तो ये क्या होता है, पावर, पावर भी नहीं कहते, पावर कहते हैं हम प्रोनाउंसिएशन, तो अमेरिका इज अ ग्रेट पावर, ठीक है। तो अब ये देखो, वैसी पावर का मतलब क्या हो गया, ग्रेट नेशन, डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड कंट्री, वैसे इंडिया एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके लिए गायंट लगा रखा है, इंडिया एक कंट्री, एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री को दिखाना आपने, तो पावर यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, मैनी अ मैन, मैनी अ मैन, मैनी ए अपने बाद क्या लेता है, सिंगुलर नाउन लेता है, मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन है, तो क्या हो गया, नो इंप्रूवमेंट हो गया, खत्म। आसान था ये तो, बहुत आसान है, कहीं पर बता भी चुका हूं मैं। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, द प्लस में कंपेरेटिव डिग्री, किसी चीज को दिखाने के लिए कि द ग्रेटर द डिमांड, ये चीज जब इस चीज पर निर्भर होगी, तो द प्लस में कंपेरेटिव, प्लस में द प्लस में फिर कंपेरेटिव का आपका यूज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, द ग्रेटर, तो यहाँ पे हायर से पहले भी आ जाएगा द हायर,
ठीक है, तो द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, जितनी ज्यादा ग्रेटर डिमांड होगी उतनी ज्यादा प्राइस होगा, तो द हायर आ जाएगा। नेक्स्ट, द वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक आस्किंग फॉर बेटर पे एंड सर्विसेज। देखो रिक्वेस्टिंग डिमांड, देखो वर्कर अपने मालिक से, वर्कर हमेशा रिक्वेस्ट करता है, सही बात है, वो हमेशा जिस चीज की नीड होती है वो उस चीज की रिक्वेस्ट करता है, बिल्कुल सही है। मगर जब वो वर्कर स्ट्राइक में चला गया तो वर्कर अब रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वो डिमांड रख रहा है, क्योंकि आपने फुलफिल की नहीं तो उसकी डिमांड है, वो फुलफिल नहीं हो पा रही तो वो स्ट्राइक में चला गया। तो रिक्वेस्टिंग भी कैंसिल सेंस के हिसाब से जाएगा, नीडिंग भी कैंसिल, डिमांडिंग इज योर करेक्ट आंसर। आस्किंग फॉर की जगह क्या हो जाएगा, आस्किंग फॉर की जगह हो जाएगा डिमांडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूज पेपर प्रोवाइड मोर इंटरनेशनल न्यूज देन डोमेस्टिक वर्ड्स। हमेशा ध्यान रखिए इंटरनेशनल की कंपेरिजन होती है डोमेस्टिक वर्ड से, नहीं नेशनल से। हमेशा हम क्या बोलते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एंड नेशनल, तो डोमेस्टिक न्यूज की जगह क्या हो जाएगा, नेशनल न्यूज। ये तो बहुत आसान था। द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट्स, एंग्री एट बिहेवियर, एंग्री एट समथिंग और एंग्री विद अ पर्सन, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। एंग्री के साथ विद आता है, अगर पर्सन होगा एट आएगा कोई भी चीज होगी तो द टीचर वॉज एंग्री, स्टूडेंट है स्टूडेंट, पर्सन है तो एंग्री विद पर्सन, एंग्री। ही बैग्ड आउट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ही बैग्ड आउट, ही गेव इज फुल सपोर्ट। देखो बैक आउट का ये आपको बताना, बैक आउट का करेक्ट मतलब क्या होगा, रिकंसिडर कर लेना पॉइंट को, नहीं बैक आउट का मतलब होता है ना पीछे हट जाना, तो उसने क्या कर लिया, विड्रो हिज सपोर्ट, टू विड्रो कर लिया, टू गेट आउट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, उसने विड्रो कर लिया अपना सपोर्ट पीछे लिया, गेव हिज फुल सपोर्ट नहीं, रिकंसिडर द पॉइंट नहीं, वेंट थ्रू बैकडोर, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं होता भाई। He did not know the answer. I did not neither. हमेशा ध्यान रखिए He did not know the answer. ये कॉमा लग के एक और आपका क्या यूज हो रहा है, एक और क्लॉज यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो नीदर, और नीदर के बाद फिर क्या आएगा आपका, आपका आएगा इन्वर्जन, तो पहले आ जाएगी आपकी वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा नीदर, वर्ब क्या है आपका डिड, तो डिड आ जाएगा इधर, ठीक है, नीदर, नीदर आ गया पहले, फिर आ गया डिड, यहाँ पे भी डिड है ना, तो डिड और फिर आई आ गया। और एक चीज और भाई साहब, जब नीदर यूज हो रहा होता, नीदर का मतलब खुद नेगेटिव होता तो नॉट नहीं आता, नीदर डिड आई इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, दोबारा देख लेना एक बार सही से। व्हेन द ओनर ऑफर्ड टी द प्यून डिनाइड इट, डिसलाइक्ड डिक्लाइंड डिसओबेड, एक बार मैंने आपको रेफ्यूज रेपुडिएट ये सब भी कराया था, जिन बच्चों जो बच्चे क्लास देख रहे हैं उनको पता होगा। तो देखो व्हेन द ओनर ऑफर्ड टी, जो वैन द ओनर ऑफर टी, जो ओनर ने ऑफर करी टी किसको, प्यून को, तो एक बार देखिए इनका रिलेशनशिप देखो क्या है, क्या ओनर की बात को प्यून को, जो प्यून होगा उसको ओनर को ओबे करना चाहिए, जब वो ओनर की बात को ठुकरा रहा है, ठुकरा दे रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो डिसओबे कर रहा है, तो डिनाइड की जगह हो जाएगा डिसओबेड। नेक्स्ट, डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर डैश, आई डोंट सस्पेक्ट सो, भाई सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि तुम्हें ये चीज याद है, तो आपको नहीं पता तो आप बोल दो आई डोंट थिंक सो, ये यूज करते हैं, तो आप यूज करो आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक, ये सस्पेक्ट सो वगैरह कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी लगा देते हैं। ये क्वेश्चंस आए हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं जो मैंने आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, प्लीज रिपोर्ट टू मी देन यू रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब होता है खुद वापस आना, बैक आना, तो रिटर्न और बैक कभी भी साथ में नहीं आते, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। तो क्या होगा, वेन यू रिटर्न फ्रॉम, यू रिटर्न फ्रॉम, भाई नॉर्मल टेंस में है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहने दो इनको। नेक्स्ट देखिए, वी ई डेट वी मे लिव, मे यूज होता है आपका कंडीशन बताने के लिए, चलिए ठीक है ये चीज हो सकती है, और दूसरा मे आपका यूज होता है किसी पर्पज के लिए, तो आप बता रहे हो वी ईट, हम खाते हैं क्यों, जिससे हम जिंदा रह सके, पर्पस बता रहा है, नो इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल सही है। ही हैड हिज ब्रेकफास्ट व्हेन ही विजिटेड हिम, उसने ब्रेकफास्ट करा जब वो, उस वो क्या हुआ, ही हैड हिज ब्रेकफास्ट व्हेन वी विजिटेड हिम, हम वहां पर पहुंचे, ठीक है। तो आप ये देखो ही हैड के साथ एक वी थ्री वर्ब चाहिए, वैसे बोलने को तो सही लग रहा है कि ही हैड हिज ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट किया, मगर एक हैड है, अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है अभी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, तो वी थ्री चाहिए इसे, तो यहाँ पे देखो ये यूज होना चाहिए, ही वी विश टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, नहीं भाई हम कह रहे हैं वो ब्रेकफास्ट कर चुका था, ठीक है, तो ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट।
हैड प्लस में वी थ्री. ही अवॉइडेड हिज ब्रेकफास्ट, नहीं होगा. नेक्स्ट है रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर थैंक, ये क्वेश्चन टैग है आपका. तो बताइए हैज बीन पॉजिटिव है तो ये हैज को उठालो, हैज की जगह हो जाएगा हैजंट, रवि का हो जाएगा ही. खत्म, आंसर आ गया. तो हैजंट इज योर आंसर. नेक्स्ट है एक्सरसाइज इज बेनिवोलेंट टू गुड हेल्थ. ठीक है, पहले तो ऑप्शंस देख लो. बाउंटियस का मतलब होता है भाई बाउंटीफुल, मतलब इन लार्ज नंबर्स, कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना, लार्ज नंबर में होना. ठीक है, बेनिफिशियंट यूज होता है किसी पर्सन के लिए. जैसे मैं बोलूं, आप मुझे बोलो कि मगर मैं आप लोगों के लाभदायक, तो आप बोल सकते हो अ बेनिफिशियंट बॉय. ठीक है, या बेनिफिशियंट मैन, ऐसे यूज कर सकते हो. हम बोलते हैं अ बेनिफिशियंट लेडी, ठीक है ना, लाभदायक लेडी. बट आप किसी चीज को बता रहे हो कि कोई चीज आपके लिए लाभदायक है, या ये चीज ये लाभदायक है, तो आप बोलो एक्सरसाइज इज बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड. ठीक है, नहीं नहीं एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल, लाभदायक है, बेनिफिशियल टू गुड हेल्थ, बेनिफिशियल. नेक्स्ट, इन केस इफ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू. देखिए इन केस का मतलब होता है कोई पोजीशन बताना. क्या मतलब होता है? कोई पोजीशन बताना. इफ का मतलब भी होता है कि कोई पोजीशन कैसे, जब आप इमेजिनरी कोई कंडीशन बताओ, आप बोल रहे हो सपोज, अगर, इन केस भी बोल रहे हो, अगर ऐसा होता, इफ भी बोल रहे हो अगर ऐसा होता, दोनों एक साथ नहीं आएगा, फिर सुपर ग्लू. आप एक ही यूज करो, यहाँ पे इफ सो भी नहीं, इन केस हो भी, आप एक ही यूज करो इफ, या तो इनकेस यूज कर लो या इफ यूज कर लो. तो इफ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू, खत्म. लेस पीपल केम टू, लेस का मतलब होता है क्या, लेस का यूज पहले होता है अनकाउंटेबल के लिए. ठीक है, और लेस का मतलब होता है कि भाई लेस पीपल मतलब अनकाउंटेबल के लिए, कि आए नहीं, बहुत ही कम लोग आए, मतलब कम लोग आए. ठीक है, बट मतलब लेस का मतलब बोलूं लेस पीपल का मतलब कम लोग आए, काफी कम लोग आए. ठीक है, यहाँ पे देखो अगर काउंटेबल, पीपल केम टू वॉच क्रिकेट मैच दिस ईयर सो द गेट रिसीव्ड्स वर लेसर देन द लास्ट ईयर. ठीक है, यहाँ पे आप ये देखो लेसर देन द लास्ट ईयर की कम थी, चलो समझ में आ रहा है. अब जिस चीज को आप काउंट कर पाओ, ठीक है, और आपको ये बताना हो कि थोड़े से आए थे, थोड़े से आए थे, जैसे कि जरा से आए थे, मतलब थोड़ा बताना चाहो कि आए थे, तो उस चीज में आप काउंटेबल के लिए लगाओ क्या, आप काउंटेबल के लिए लगाओ फ्यूर. ठीक है, एक दो डाउट्स थे आपके, मैं अगली क्लास में बता दूंगा, मैंने कमेंट पढ़ लिए थे, और आप मुझे अगर दिक्कत लगे आपको तो मुझे बता देना. लिटल, लेसर, फ्यूअर, मैं इनके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 7-8 मिनट की, सारे समझा दूंगा, दिक्कत आ रही होगी तो. ठीक है, ये फ्यूअर है, कुछ बच्चों को आ जाती है दिक्कत, मैं इसलिए कह रहा हूँ. बस ये वीडियो यहीं तक थी. ठीक है, जाइए, अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो प्रीवियस ईयर्स के ऊपर होगी, प्रीवियस ईयर का पूरा सेट ला रहा हूँ मैं. ठीक है, काम चल रहा है इसलिए वीडियो थोड़ी लेट हो रही थी, और वो कैप के ऊपर भी. ठीक है ना, ये सीरीज अभी हो गई है, तो अब प्रीवियस ईयर वो कैप पे जाएंगे. आपके सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो. चलिए, हैव अ नाइस डे.